ये जो यार वॉल है ना, इस पे ये जो चीज़ रखी हुई है मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है, और इसको मैं कभी यहाँ से नहीं हटा सकता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फैसल एंड वेलकम टू माय एन अदर व्लॉग। तो भाई ये है वो जगह जहाँ पे मैं अभी तक वीडियोस बना रहा था, और ये वो जगह है जहाँ पे अब मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। और भाई ये रूम मेरा बेडरूम ही है, जिसको मैंने थोड़ा सा रेनोवेट किया है, और इसको मैंने सारा ना, जिसमें जो इतना जो साफ़ सुथराई और इतनी लाइटिंग और डिज़ाइनिंग वगैरह नज़र आ रही है ना, ये सब मैंने खुद ही की है। ये मतलब किसी से मैंने कराई नहीं है, और कराई और की ये मैंने खुद क्यों है, उसकी वजह ये है कि भाई आजकल की महंगाई, मैंने रूम अपना रेनोवेट करना था लेकिन बजट मेरा थोड़ा कम था। और जब मैं बाहर गया, मैंने एक पेंटर ढूंढा जिसको मैंने बोला कि भाई मैंने अपना रूम कलर कराना है, आप आके देखो। और वो आया, उसने यहाँ पे आके मेरा रूम देखा, और उसने मुझे जो सारा जो मतलब लेबर और खुद की उसकी जो पैसे थे, जो काम करने के यहाँ पे पैसे लेगा वो, और जो मटेरियल यहाँ पे आएगा उस सब की उसने मुझे ऑलमोस्ट 35 to 40 thousand उसने मुझे कॉस्ट बताई, जो कि मेरे बजट से बाहर थी। मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी ऐसी जिसके लिए मुझे बजट थोड़ा सा अपना रखना था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सब चीज़ें छोड़ी और ये सारा काम मैंने खुद किया। और जब ये काम सारा मैंने खुद किया, तो भाई जो बजट मुझे मिला था इस रूम का 40,000 के करीब, वो काम मेरा सिर्फ़ और सिर्फ 7,000 रुपये में हो गया। स्ट्रेंज। और भाई अब ये मेरा रूम है, और इसको मैंने कैसे बनाया ये आप खुद देखें, और फिर मुझे बताएं कि भाई मैंने जो किया वो मैंने ठीक किया या मुझे पेंटर से ही वो करवा लेना चाहिए था। और ये जो आपको नज़र आ रही है भाई, ये अब थोड़ा सा हल्की सी नज़र आ रही है, क्योंकि ये कोई एलसीडी नहीं है, ये प्रोजेक्टर है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी था कि मेरी वॉल पे लगा हुआ है और वो इस तरफ अपनी स्क्रीन देता है। तो अभी आप देखें कि मैंने जो ये सारा काम किया, ये मैंने कैसे किया और मुझे कितना टाइम लगा, तब तक मैं थोड़ा सा ये पसीना साफ कर लूँ यार, गर्मी बहुत है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो भाई अब मेरा रूम कुछ इस तरह का दिख रहा है सारी सेटिंग होने के बाद, ये ऊपर भी लाइटिंग वगैरह हुई हुई, और ये बेड के नीचे भी मैंने एक ना ये लाइटिंग कर दी, क्योंकि काफ़ी अच्छा लुक दे रही है, रेड लाइट ये जल रही है, इसके कलर चेंज भी हो जाते हैं। और ये टेबल भी जो फुली मैंने खुद कस्टमाइज़ करी है, इसके आगे ये जो नज़र आ रहा है डिज़ाइनिंग, ये स्टिकर्स लगाए हैं, ये काउच रखा हुआ है, और ये जो यार वॉल है ना, इस पर ये जो चीज़ रखी हुई है मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है, और इसको मैं कभी यहाँ से नहीं हटा सकता। लैपटॉप तो खैर पहले भी बेड पे मेरा रहता था और अभी भी यहीं पर ही रखा रहता है, और ये सामने टेबल है जहाँ पे बैठ के वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ये इसके सामने यहीं पर ही मिरर लगा हुआ, और ये मिरर में मैं नज़र आ रहा हूँ। ये माइक का स्टैंड आ गया, ये छोटा रिचार्जेबल स्पीकर है। तो भाई ये सारी सेटिंग है, और जो कि पहले जो हाल था कमरे का वो आप देख ही चुके हैं। तो भाई ये थी वो सारी मेहनत जो मैंने अपने रूम के लिए की, और अगर मेरी मेहनत ही आपको पसंद आई हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, और अभी के लिए दें मुझे इजाज़त। मूवी पीछे लगी हुई है, थोड़ी मूवी देखता हूँ, द लायन किंग बहुत मज़ेदार है, एनिमेटेड मूवी है लेकिन मुझे एनिमेटेड मूवीज़ काफ़ी पसंद है, तो अभी मैं देखने जा रहा हूँ मूवी, और आज के लिए दें मुझे अब इजाज़त। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।